सो हेलो गाइस, गाइस हियर। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको सैनहोक मैप की ऐसी लोकेशंस बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है फ्रेगन्स मिलने की। सो गाइस, यहाँ पे कोई कन्फर्म लोकेशंस तो नहीं है, लेकिन गाइस ऐसी लोकेशंस भी है जहाँ पे आपको फ्रेगन्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो गाइस बिना किसी नौटंकी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको अपने प्लेन पाथ को देखना है, और प्लेन पाथ को देख के आपको सबसे पहला जो लोकेशन होता है वहीं पर आपको लैंड होना है। तो देखो गाइस, मेरा ये मैप का प्लेन पाथ सैम से शुरू हुआ था, तो गाइस मैं यहाँ पे पहले सैम में लैंड हो गया। ऐसे ही गाइस, अब हर एक मैच में जो भी प्लेन पाथ होगा वहीं पे आप लैंड होंगे, तो आपको फ्रेगन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और देखो गाइस, मेरे को यहाँ पे फ्रेगन मिल गए। तो देखो गाइस, जैसे मैं अपने अब यहाँ पे सामने में मेरे को एक फ्रेगन मिल गई थी, वैसे ही गाइस आपको भी ये बड़े बड़े लोकेशन जाते हैं बूट कैंप पैराडाइज, इनमें फ्रेगन मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन गाइस आपको क्वेरी केव और तानबांग नाखान ऐसे लोकेशंस में आपको इजीली ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेगन्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस जो स्मॉल स्मॉल लोकेशंस हैं वहाँ पर आपको फ्रेगन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन गाइस बिग लोकेशंस में भी आपको फ्रेगन मिल सकते हैं, लेकिन गाइस वहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। और गाइस यहाँ पर मैंने पर्सनली नोटिस किया कि जहाँ पे हॉट ड्रॉप लोकेशंस होते हैं जैसे बूट कैंप पैराडाइज रिजॉर्ट और बाकी सब, वहाँ पे फ्रेगन थोड़ी कम देखने को मिल जाएगी। और स्मॉल 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 ड्रॉप लोकेशंस होती है वहाँ पे आपको फ्रेगन ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। फिर भी गाइस यहाँ पे कोई कन्फर्म लोकेशन तो नहीं है, लेकिन गाइस आप यहाँ पे लैंड होंगे तो आपको फ्रेगन देखने को मिल सकती है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस।